आड़ करना है शेख, और मैंने जाके जिम में सस्ती मेंबरशिप का, क्योंकि यार वो लेडीज वाली शॉपिंग ना अब बिया को भी थोड़ी थोड़ी लगती जा रही है। यार बुबू और बिया का तो पता नहीं किधर गए हैं, मैं और आरिश इधर घूम रहे हैं। और बुबू नाराज हुई थी और मैं भी नाराज हुआ पड़ा हूँ। अब उसके बारे में मैंने स्टोरी लगाई अपनी, जो कि अब शायद आपने देखी हो। उस स्टोरी का रिप्लाई किसने किया? यूट्यूब ऑफिशियल ने। मतलब यूट्यूब ऑफिशियल जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये सब देख रहे हो, जो कि यूट्यूब ऑफिशियल का ओरिजिनल अकाउंट है। हमें सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि व्लॉग में सॉरी हो गया, व्लॉग में सॉरी बोल दिया उसके बाद फिर मेरी चुकाई होने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत है ब्रांड न्यू व्लॉग। अगर अपनी डांट से बचना चाहते हो ना, एक तो पहली बात ये कि यार मैंने मुझे उतार दी क्योंकि वो बहुत मजाक उड़ाई थी। दूसरी बात ये कि अगर डांट से बचना चाहते हो ना पेरेंट्स की, तो फिर वो बातें मान लो जो वो कह रहे हैं। और इस केस में ये कि मामा मुझे बहुत अच्छे से कह रही है कि यार उनके वॉशरूम का वो जो उतरा हुआ है ना वो टॉयलेट होल्डर वाला सीन, वो सेट करके दो, क्योंकि पता नहीं हैंडीमैन कब आएगा कब करेगा, तो फिर यहाँ पे ये सब करना पड़ता है, तो जल्दी से वो करते। आप क्या बनी हुई हो? अरे बिया के जो दांत है ना वो बेहतर हो गया है ना, अच्छे बोले, गुड गर्ल। आ जाओ आज 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 गोदी नहीं गोदी नहीं गोदी जम उपसी वाला पार्ट है जो कि इसमें लगना है। और जो होल था ना उसको मैंने वैसे ही फिल कर दिया, उसके ऊपर अब मैं ये वाला लगाता हूँ। ऐसे ऐसे कार्ड के इस पैसे लगा देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर इसको फिक्स कर देंगे ड्रिल करके। यार वो मैंने काट लिया अकॉर्डिंग टू साइज, और इसके ऊपर ना अपना वो जो व्हाइट मार्कर है वो लगा के लाइक परफेक्ट किस्म का काम होना चाहिए। निशान क्या हुआ है? ये ब्लू क्या है? ब्लू क्या, ये निशान लगाया मैंने जो यहाँ पे आया। दीवारें लकड़ी की होती है ना, तो एक ही मौका मिलेगा। बस इतनी सी बात थी बेटा, शूज पहनने से ठीक है? नहीं इसको भी तो दबाना से नीचे, ये हो गया ऑलरेडी। नहीं यहाँ से मामा कहीं कीड़ा मकोड़ा जाएगा। शाद क्या कर रहे हो? मेंटेस पॉड जो आया था ना, वो जो ट्राईपॉड है जो मेरे ऐसे वाले तरीके का, उसके साथ ये वाली की आई थी, ये इसमें फिट हो गई है। जस्ट इमेजिन करो कि कहाँ से कहाँ वो कड़ियाँ मिल जाती। यार ये डन हो गया जबरदस्त किस्म का, और आज का पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया। यार याद है पिछले वाले व्लॉग में जो बोला था जुगाड़ करना है शेख, और मैंने जाके जिम में सस्ती मेंबरशिप का, तो बस वही वाला करने आया अभी शेख, ट्राई करने लगे, देखते क्या बनता है। अगर तो कामयाब हो गए ठगी तो फिर क्या, फिर इधर इकट्ठे शुरू करेंगे इंशाल्लाह। यार लग रहा है कोई ना कोई सीन बन जाएगा। हाँ भाई चल गया कार्ड, ये दिखा ना कार्ड सही है। इसको इसको बोलते हैं पार्सल जुगाड़ लगा लिए। यार बिना अमीर अमीर फीलिंग आ रही है शेख को, क्योंकि अमीर आदमी हो गए शेख। अच्छा लग रहा है, अच्छे वाले जिम की मेंबरशिप ले गए। अरे बहुत अच्छा लगा, स्पेशल तेरे लिए किया मैंने कि तू जिम चलेगा मेरे साथ। मुझे उन्होंने ये दिया है गिफ्ट के तौर पे एक्स्ट्रा स्ट्रैप, तो अब ये वाला लगा के यूज करेंगे। ऊबर शेख, ऊबर ऊबर बना। यार देख कितना प्यारा सीन है यार हमारे जिम के बिल्कुल सामने। ओए होए 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 यार इतना मजे का सीन था, मैंने कहा टाइमलेस बना लूं। वैसे कोई तुक बन नहीं रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था, तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। फिलहाल के लिए बस अब आज तो जिम नहीं जा रहे क्योंकि आज बाकी शायद काम खत्म करने, कल परसों से ना प्रॉपर किस्म का शेख और मैं रूटीन बनाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जिम में रेगुलर आया करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी निकलते हैं। कहाँ क्या शेख, तीसरी बार रुके बोलते बोलते क्या ब्लॉग कर रहे? मैं कह रहा था तुझे पता है कि 39.99 हो चुकी है प्राइस की ऑनलाइन। हाँ यहाँ पे एकदम हैरान हो गया सुन के प्राइस। अच्छा 34 बता रहे थे डिस्काउंट के बाद स्टूडेंट के। ओए मिताना जी, लेकिन मुझे जो है ना अर्ली बर्ड, क्योंकि जब ये जिम बना भी नहीं था तब से मैं मेंबर हूं और रोज पे कर रहा हूं हर महीना, ऐसे तो नहीं होता है, ऐसी पैसे जाते जा रहे वेस्ट हो रहे, लेकिन लेकिन मैं पे कर रहा हूं 24.99। अभी शेख को मिली है ऑफर जुगाड़ वगैरह लगाने के बाद भी, मतलब 30 पाउंड की।
यार इधर आया लेक साइड में कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। जिम वाला जुगाड़ लग गया, उसके बाद बिया ने बोला कि उसको शॉपिंग के लिए जाना था, बस शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं। कुछ फ्रॉक वगैरह लेने उसने जल्दी से, और फिर देखते हैं कि यार अगला सीन उसके बाद क्या है, क्योंकि यार वो लेडीज़ वाली शॉपिंग ना अब बिया को भी थोड़ी थोड़ी लगती जा रही है। बिया भी वो लड़कियों की तरह शॉपिंग करती है, देख देख के ये पसंद है ये पसंद नहीं है, तो बस वही वाला चक्कर है। अब बस मैं फंसा हूँ यहाँ पे। लोगों की शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बिया बढ़ चढ़ चढ़ के यार शॉपिंग कर रही है, मामा भी साथ लगी हुई है, बुरी हालत है। लेडीज़ के साथ शॉपिंग आना यार मतलब हिम्मत की काम है यार, कैसे आते हैं कैसे करते हैं सीरियसली। बस कर दो यार। बुबू और बिया का तो पता नहीं किधर गए हैं, मैं और आरिश इधर घूम रहे हैं और मामा भी नहीं मिल रहे हैं। मेरे कंधों पे चढ़ा हुआ है मजे से, अब देख रहे हैं हम लोग। मामा कहाँ है आरिश, देखो नजर आ रही है। मामा कहाँ है यार, हम दोनों ना चलते चलते देखो किधर आ गए हैं। यार ये जब भी जितने मर्जी बैग ले लो ना, जब भी ये ट्रैवल वाले बैग देखता हूँ ना यार, तो ऐसे वो वाली फीलिंग होती है। हमारा पाकिस्तान ड्रामे। Thousands of tears later. एकदम शॉपिंग करने और उसके बाद कमाल की उनकी भूख लग जाती है, फिर आज भी तंग कर होते हैं और फिर ना नोकझोंक हो जाती है, तो वो नोकझोंक हुई पड़ी है अभी और बस ऐसा ही है, अभी क्या कर सकते हैं। बिया का तो हमने चिप्स और ग्रेवी ले दी है, तो आरिश भी तो इन्जॉय कर रहे हैं और बुबू नाराज़ हुई पड़ी है और मैं भी नाराज़ हुआ पड़ा हूँ, अभी इश्की बिश्की ठा हुआ पड़ा है, ऐसा ही है। कपल्स में जब लड़ाई हो जाए ना काफ़ी फ़नी फ़नी सीन होगा सर, ये वाली सीट खाली छोड़ के तो मैं इधर बैठा हूँ, तो करना होता है ना कि हाँ यार नाराज नाराज हैं और वो सर बस वही चल रहा है। वो मामा और मैं ये खा रहे हैं जर्मन डोनर कबाब, साथ में चिप्स वगैरह, इनकी जो सॉस होती है ना सबसे ज़्यादा मज़े की वही होती है। खाना आगे खाना इन्जॉय हो रहा है वो अपनी जगह, लेकिन ये कुर्सी अभी भी खाली है। तो 1:37 later एक तो बंदे की लड़ाई हुई पड़ी हो, ऊपर से वो फिर आपके सॉस में चिप्स लगा के खाए तो ज्यादती है कि नहीं है। अब मेरी सॉस यहाँ से इस साइड से गायब हुई है, अब इसको कौन जिम्मेदार है। बताओ मैं बिया को वहाँ सारा ढूंढता एकदम से गायब होगी, अब देखो कहाँ बैठी हुई है। Can I have one ice cream, please? Hi. यार अनबिलीवेबल सी बात हो गई है, अभी इंस्टाग्राम पे एक रील लगाई थी कुछ अर्से पहले और उसके व्यूज 1 million क्रॉस कर चुके हैं, मतलब पहली बार लाइफ में किसी चीज़ किसी कंटेंट के व्यू 1 million से ऊपर गए मेरे। अब उसके बारे में मैंने स्टोरी लगाई अपनी जो कि अब शायद आपने देखी हो, उस स्टोरी का रिप्लाई किसने किया, यूट्यूब ऑफिशियल ने, मतलब यूट्यूब ऑफिशियल जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये सब देख रहे हो जो कि यूट्यूब ऑफिशियल का ओरिजिनल अकाउंट है वो मुझे फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोग नहीं करते तो आप इस वाले लिंक पे या नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है साइम महमूद एक्स इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे उस स्टोरी का रिप्लाई किया यूट्यूब ने एंड दे कंग्रेचुलेटेड मी कि यार आपने ये जो अचीवमेंट की और वो सारा किया कमाल यार, मतलब एकदम से मैं बैठा हुआ था एडिट कर रहा था एकदम से मैंने देखो यार उनका रिप्लाई आया एंड आई वाज लाइक डैम कुछ तो सही चल रहा है। बस इसी डायरेक्शन में भी चलते जाना है, व्लॉग टपाटप आते जाएंगे और मेहनत वगैरह चलती रहेगी, बट यार एक बड़ी बात है यूट्यूब ने एक तो फॉलो किया हुआ है, एक तो बात है ही ऑब्वियसली वो तो एक मतलब ओवरवेलिंग बात है, देन यूट्यूब आपकी स्टोरी की रीच जो बड़ी वो उसके 1 million व्यूज है उसके ऊपर आपको अप्रिशिएट करा है, दैट्स सो कूल यार, मतलब एक ह्यूज मोमेंट है। तो ये वाला सीन है, मतलब अभी तक ना वो सांस ऊपर नीचे यार क्या दिन था आज, मतलब एक तो यूट्यूब ऊपर से शॉपिंग, मतलब एक रोलर कोस्टर वाला सीन था, ऊपर से लड़ाई शड़ाई और वो सारा सीन, वो तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन फिलहाल क्या करते हैं कि आज के व्लॉग को करते हैं ये पे एंड, आपसे मिलते कल एक नए दिन व्लॉग में। सॉरी बड़ा सख्त लौटा लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, सॉरी क्या बात है पागल। तो फिर एज ऑलवेज तब तक के लिए अपना यहाँ यखिदा मिलते हैं, मिलते हैं। व्लॉग में सॉरी बोलने का मतलब ये नहीं है कि व्लॉग में सॉरी हो गया, व्लॉग में सॉरी बोल दिया उसके बाद फिर मेरी सुखाई होने वाली है।